चंपारण स्टाइल में हांडी चाप, वेज में नॉन वेज का टेस्ट दे रही हूँ, जैसे मैं भी हूँ वेजिटेरियन। ये अब हमारा प्याज आ गया कटा हुआ, ये खड़े मसाले आएंगे इसमें भी सारे। ये स्टार फूल, तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, जायफल, जावित्री, ये सारे खड़े मसाले आ गए प्याज में। अब इसमें ये जो हमारी चाप है हल्का हल्का शैलो फ्राई कर लिया है, इसमें मिक्स करेंगे। ये देखिए हल्का सा फ्राई किया है। हाँ हल्का सा फ्राई किया। ये मैं चाप ऐसे बनाती हूँ, लेकिन कस्टमर की डिमांड आ रही है कि कटिंग में बनाओ, तो जो कटिंग में लेना चाहता है उसको कट करके बना के देती हूँ। ऐसे जो लेगा तो उसको आएगा पीस वाला फील, वो चिकन वाला फील आएगा। ये अब आ गए घर के पिसे मसाले। नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, चाप मसाला है, ये गरम मसाला, ये देगी मिर्च, और ये वही सीक्रेट मसाले हैं, वही जो आप नहीं बताते। अब हम इनको मिक्स कर लेंगे। वैसे सच में कस्टमर की डिमांड आ रही थी, फिर आपका मन कर रहा था कि भाई सब लोगों को नॉन वेज खिलाते कम से कम एटलीस्ट कोई तो वेज ऐसा बनना चाहिए जो चंपारण से कनेक्ट हो। रिस्पांस अच्छा आया है, कस्टमर पसंद कर रहा है चाप। अच्छा। को भी ये सरसों का तेल है, सेम प्रोसेस वैसा ही होगा। बस इसमें मैं पूरा लहसुन नहीं डालती, कई वेज वाले लहसुन नहीं पसंद करते, उनको स्मेल सी आती है। सेम प्रोसीजर है, ये सारा मिक्स हो गया। अब ये भी हम हांडियों में फिल करेंगे। ये है वेज कीमा। वेज कीमा? हाँ पक्का ना? पक्का पक्का, ये वेज कीमा है, ये इसमें जाएगा। ये वेज कीमा कैसे बनाया, ये भी सीक्रेट है? हाँ सब बता दूंगी तो मेरे पास फोन आएगा। सही बात है। तो ये ग्रेवी पहले मेरे हाथ की ट्राई तो करके देखे, उसके बाद बनाएंगे। तो ये ग्रेवी को और थिक कर देगा, राइट? थिक कर देगा, टेस्ट अलग आएगा, कीमे वाला खाने में टेस्ट आएगा। ओके, ये सारा हमने मिक्स कर लिया, सारा हमारे इसमें खड़े मसाले प्याज, चाप और कीमा सब मिक्स हो गया। अब हम इनको हांडियों में ही फिल करेंगे। इसका कुकिंग आधे से एक घंटे के बीच में ये प्रॉपर बन जाएगा। ओके। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी सेम इसमें जाएगा, दही जाएगा। दही क्यों? सेम चंपारण स्टाइल। ओके, आपका डिफरेंट चंपारण। बिल्कुल, लेकिन इस चंपारण को कस्टमर ने बहुत पसंद किया आप जैसे सबने। ये देखिए ये इसमें भी हांडियों में पहले मिट्टी लगाई जाएगी। वही सेम प्रोसीजर है, क्योंकि कोयले पे इसको भी कुक होना है। तो इसको सपोर्ट देने के लिए हमें हांडियों में मिट्टी लगानी होती है। इसको भी कोयले पे धीमे आंच पे कुक करूंगी। तो वही चीज प्रोसेस होता है जैसे कि हांडी बनने के बाद एक बार हांडी खत्म। हाँ, मतलब जिनमें हमने मिट्टी लगा ली थी। अब इसी में चाप को हम फिल करेंगे, इसमें भी तेल डालेंगे गार्निश के लिए, क्योंकि इसको भी सपोर्ट चाहिए कि ये जले। तो भी हम गार्निश कर देंगे। इसको थोड़ा खाली इसलिए छोड़ा है क्योंकि डंडी से नहीं तो चाप निकल जाती है हिलाने में, इसलिए थोड़ा कि हिलाने में हमें दिक्कत ना हो। अब इससे लोग ही, अब इसको भी हम आटे से वैसे ही कवर अप करके बंद करेंगे। ये अब हम सील पैक कर रहे हैं इनको। ये दिल्ली में कोई नहीं बनाता, सिर्फ मैं बनाती हूँ, और इसकी ग्रेवी टेस्ट करेंगे ना आपको सच में लगेगा कि हम नॉनवेज। हम जैसे वेजिटेरियन लोगों को भी फील आएगा। अब कईयों ने नॉनवेज छोड़ दिया है। हाँ। वो सेटिस्फाई हो सकते हैं। है। ये अब कोयले पे जाएंगे, एक घंटे में प्रॉपर तैयार हो जाएगी। ये इधर रख दी है चाप की। ये अब हमारी चाप रेडी हो गई है, जिसको कि हम खोलने जा रहे हैं। इसको एक घंटा हो चुका है, एक घंटा हो चुका है। ये तो मटन के पीसेस लग रहे हैं। ये लेग पीस है ना, वेज लेग पीस। वेज लेग पीस, सेम ग्रेवी। अभी कुछ डालना बाकी है इसमें? हाँ, अभी इसको गार्निश करेंगे हम। देखिए कीमा है, वेज कीमा। हाँ वेज। ये जाएगा धनिया, ये हरी मिर्च, ये लहसुन, और अगर कोई क्रीम डलवा के खाना चाहेगा तो ऊपर से क्रीम भी डाल देंगे। तो ऊपर से क्रीम भी डाल सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं जिनको अच्छा लगता हो। और ये वेज नॉन वेज हमारे पास अलग ही बनता है। कईयों को डाउट रहता है कि वेज और नॉन वेज है तो हम नहीं खा सकते, लेकिन मेरे पास दोनों चीजें अलग अलग बनती है। सबसे पहली बात, ये तो हांडियों में बनता है, नॉन वेज की अलग हांडी है, वेज की अलग है। तो हम गर्म करते हैं, उसके लिए हमारे पास फ्राई पैन अलग अलग। मैं खुद वेजिटेरियन हूँ तो मैं किसी को कैसे खिला सकती हूँ नॉन वेज वाला। ये अब हमारी हांडी चाप सर्विंग के लिए स्टार्ट है, रेडी है, जिसको कि हम सर्व करेंगे।
ये हमारा वेज का लेग पीस आ गया भाई साहब, जो कीमा मैम ने डाला हुआ था वो उसकी ग्रेवी देखो क्या ही अलग ही फ्लेवर दे रही है। इसको क्या बोलेंगे मैम? ये चंपारण स्टाइल हांडी चाप। दिल्ली में तो पहली बार ही है जी, इससे पहले दिल्ली में कोई नहीं बनाता, और आई थिंक सो चंपारण स्टाइल में चाप तो किसी ने नहीं खाई होगी। और अगर इस चाप को खाना है आपको तो कहाँ आना पड़ेगा मैम? ये रोहिणी सेक्टर 20-21 की डिवाइडिंग रोड पर MDM चंपारण, रोज कॉन्वेंट स्कूल के अपोजिट है, दिल्ली में है ये, और ब्लैक कलर की मेरी वैन है। ओके तो गाइज मैं तो इसका मजा ले रहा हूँ, अगर आपने वीडियो का मजा लिया यहाँ तक तो पेज को फॉलो करें बिना मत जाना। मिलते हैं किसी नई और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।